नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकार। वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों आज मेरे सामने जो पौधा आप देख रहे हैं ये स्नेक प्लांट है, तो ये लाखों रुपये से भी ज़्यादा कीमत वाला प्लांट है। इसको कैसे आप फ्री में ग्रो कर सकते हैं, क्यों इसको मैं बता रहा हूँ कि ये लाखों रुपये से भी ज़्यादा कीमत वाला पौधा है, तो इसके ऊपर जो है मैं पूरा जानकारी दूंगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मेरा जो चैनल है गार्डन रूफटॉप, अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर जो थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन जो है, ये इसका जो स्पेसिस है स्नेक प्लांट का, वो है ड्रासियाना ट्राइफासेटिया, और इसका जो फैमिली है ये एस्परागासिया। तो दोस्तों इसको जो है कॉमनली इसको स्नेक प्लांट बोल के जाना जाता है, और भी इसका नाम है जैसे सेंट जॉर्ज शोर्ड है, देन मदर इन लॉ टांग है, देन वाइपर्स बोस्ट्रिंग हेम्प है। तो इसका ये जो है ये स्नेक प्लांट के नाम पे ही ज़्यादातर मतलब परिचित है। तो दोस्तों ये एक सेमी शेडेड वाला प्लांट है, इंडोर में भी आप ग्रो कर सकते हैं, और थोड़ा पार्शियल शेड में आप आउटडोर में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। ये वेरी इजी टू ग्रो है, वेरी इजी टू केयर एंड वेरी इजी टू प्रोपागेट है ये प्लांट। ये जो स्नेक प्लांट है ये एक बड़ा अच्छा एयर प्योरीफायर भी है, एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी है। ये पिछले साल मैंने इसको मैंने ये प्रोपागेट किया था। ये देखिए लीव्स कटिंग से जो है मैंने इसको प्रोपागेट किया, आप देख रहे हैं। ये देखिए ये लीव्स जो डाला हुआ काट के, इसमें जो है ये लीव्स प्रोपागेशन मैंने किया था। तो ये सारे जितने आप प्लांट्स देख रहे हैं, ये बेबी प्लांट्स, ये छोटा जो बड़ा वाला है, ये सारे इसी से मतलब जो है ये निकला है। तो ये लीव्स प्रोपागेशन करके मैंने ये इसको ग्रो किया। तो दोस्तों देखिए ये करीबन एक साल में जो है ये इतना सा ही मतलब कहना ये इसका ग्रोथ हुआ है। ये अगर आप इसको थोड़ा बहुत ब्राइट लाइट में रखेंगे तो इसका जो जल्दी ये ग्रो होता है, और थोड़ा डार्क में रखेंगे तो थोड़ा इसका कम ग्रो होता है। तो दोस्तों ये इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये लाखों रुपये से भी ज़्यादा कीमत वाला पौधा है, क्योंकि ये एक एयर प्योरीफायर है। ये एयर में जितने हार्मफुल गैसेस होता है उसको प्योरीफाई करते हैं। जैसे हार्मफुल गैसेस में जैसे है हाइड्रोजन क्लोराइड है, बेंजीन है, देन कार्बन मोनोऑक्साइड है, देन डाइऑक्सिन है, देन सल्फर डाइऑक्साइड है। ये सारे जितने हार्मफुल गैसेस होता है इसमें से मतलब जो है पाँच जो है ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैस होता है, उसमें से लगभग चार जो गैस हार्मफुल गैसेस होता है उसको ये प्योरीफाई फिल्टर करते हैं, और जो अपना जो घर का जो वातावरण है, घर का जो एयर है, उसको इसको जो है ये शुद्ध करता है। तो दोस्तों ये जो है एक एयर प्योरीफायर के साथ साथ ये मतलब माना जाता है कि ये रात को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों इतना जिसका गुण है, जिसे जैसे मतलब ये एयर प्योरीफाई करते हैं, जितना टॉक्सिन है एयर में मतलब ज़्यादातर पांच जो खतरनाक टॉक्सिन है उसको ये उसमें से कम जो है ये प्योरीफाई करते हैं। तो और प्योरीफाई करके जो है अपना हेल्थ का ख्याल रखते हैं। तो अगर ये अगर प्योरीफाई नहीं करता तो हम बीमार पड़ते हैं, और बीमार के पीछे कितने सारे पैसा आप जाते हैं वो आपको आप लोग सभी जानते हैं। तो इसीलिए इसको ग्रो करना जैसे जितना इजी है, आप अगर इसको ग्रो करेंगे तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। आप घर पे जो है इस घर का जो वातावरण है उसको शुद्ध बना सकते हैं, और लाखों रुपया बचा सकते हैं इसके इस प्लांट को ग्रो करके। तो दोस्तों इसीलिए ये लाख मतलब जो है एक बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही जो है बेहतरीन जो कि स्नेक प्लांट, इसको ग्रो करना बहुत आसान भी है। आप इसको कटिंग्स के द्वारा जो है लिप्स, ये जो लिप्स है आप इसको कट करके आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। जैसे मैंने डाला, देखिए ये 6-6 इंच का 7-7 इंच का जो लिप कटिंग करके मैंने इसमें डाला था, तो इसी से मतलब जो है ग्रो हो रहा है ये इतने सारे पौधे। तो दोस्तों दूसरा जो है
इसको आप सेग्रीगेट करके, जैसे ये बेबी प्लांट्स है, इसको निकाल के सेग्रीगेट करके दूसरे पॉट में डाल के इसको प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको, इसके उगाने के लिए जो सॉइल है वो मतलब सैंडी सॉइल होना चाहिए और वेल्डेंड होना चाहिए। तो आप पॉट में ग्रो करना है तो फिर सैंडी सॉइल और वेल्डेंड सॉइल से ये अच्छा ग्रो करता है। इसको जो फर्टिलाइज़र की बात है, अब साल में एक दो बार जो है थोड़ा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे काउडंग मैन्योर या तो बर्मी कंपोस्ट आप इसको दीजिए, ये बहुत ही अच्छी तरह ग्रो कर सकता है। दोस्तों वाटरिंग जो है ये बहुत ही ड्रॉट टॉलरेंट है। जब ऊपर का सॉइल बिल्कुल जो सूख जाता है उसके बाद ही जो है आप इसको वाटरिंग करें, नहीं तो फिर इसका ओवर वाटरिंग से इसका रूट रॉट्स हो जाता है, पौधा फिर मर जाएगा। विंटर में जो है दोस्तों इसको बिल्कुल मतलब महीना में एक बार अगर पानी देंगे तो भी इसके लिए बहुत है, और समर में हफ्ते में भी एक बार अगर इसको पानी डाल देंगे तो इस ये प्लांट्स जो है ग्रो कर जाता है। तो दोस्तों इसको फिल्टर्ड लाइट जो है अच्छा है, अगर कई मतलब जैसे पार्शियल शेडी एरिया में आप इसको ग्रो कर सकते हैं, या तो इंडोर में आप इसको ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे ब्राइट लाइट लाइट होता है, तो वहाँ पे भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। आप इस प्लांट को जो है एक बार, ये पेरिनियल प्लांट्स है, अगर आप एक बार जो है इसको मतलब आप उगाएंगे तो ये सालों साल आपके पास रहेगा, और आप इसको मल्टीप्लाई करके बहुत सारा जो है आप इसको पौधा तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो प्लांट है एक वैल्यूएबल प्लांट है, आप इसको ग्रो कीजिए और जो है अपना घर का वातावरण शुद्ध कीजिए, एयर में जितने टॉक्सिन है उसको शुद्ध करके आपका हेल्थ का भी ख्याल रखता है। तो इसीलिए जो है ये लाखों रुपये से भी ज़्यादा कीमत वाला ये पौधा आप फ्री में बिल्कुल जो है आप घर पे फ्री में उगाइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी मैंने आपको दिया ये स्नेक प्लांट के बारे में आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा जो चैनल गार्डन रूफटॉप, अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।